हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रोफेसर अशोक। और आज हम लोग क्या करने वाले, हम लोग ने लास्ट एक वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 किया था 1.3 एक्सरसाइज का, तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगर ये वीडियो छोटा बनता है, एक 30 मिनट से एक्सीड नहीं करेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसी वीडियो में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करूंगा। लेकिन अगर एक्सीड हो गया तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है कि शो दैट डी वाई बाई डी वाई dx इज इक्वल टू y बाई एक्स इन द फॉलोइंग। मतलब जो भी फंक्शन दिया है उसमें मुझे डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, y बाई एक्स आना चाहिए। मतलब डेरिवेटिव क्या आना चाहिए किसी भी फंक्शन का, जो 8 क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व करेंगे तो मुझे y बाई एक्स मिलना चाहिए। वेर a एंड p आर कॉन्स्टेंट, मतलब जहां जहां पे हम लोग को p दिखेगा या फिर a दिखेगा वो क्या होंगे, कॉन्स्टेंट, वो वेरिएबल नहीं है। जैसे x एंड y वेरिएबल है, लेकिन p एंड a क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस हम लोग को समझना है। अच्छा, यहाँ पे आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर 2 पहले क्यों लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 बाद में क्यों लिखा है। देखो, ये दोनों सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कैसे, यहाँ पे क्या बोला, एक्स रेस टू 7 इंटू वाई रेस टू 5 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू 12 दिया हुआ है। अच्छा, ये 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 प्लस 5, हाँ 7 प्लस 5 12 होता है। उसी तरह यहाँ पे देखो, एक्स रेस टू पी इंटू वाई रेस टू 4 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू पी प्लस 4। इन दोनों को ऐड किया है, दोनों की पावर को ऐड किया है, दोनों के पावर्स को ऐड किया है, तो दोनों को सिमिलरली सॉल्व करना है। तो मैं ये इसमें जो पी लिया है ना, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपके लिए। अच्छा, उसी के सिमिलर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो पहला चीज देखो, यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा हमारा एक जो होता है वो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, दोनों साइड मैंने लॉग अप्लाई कर दिया, तो क्या मिलेगा देखो मुझे, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा, एक स्टेप बढ़ा देते हम लोग, तो मैं बोलता हूँ लॉग ऑफ पी रेस टू 4 प्लस क्यू, मल्टीप्लीकेशन है, लॉग ऑफ, ये उल्टा लिखा, यहाँ पे हम लोग ने क्या आएगा, एक्स रेस टू पी वाई रेस टू 4 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी मैंने लॉग अप्लाई कर दिया तो मुझे मिलेगा एक्स प्लस वाई रेस टू पी प्लस 4, बराबर है। अच्छा, एक्सपोनेंट जो प्रॉपर्टी होता है उसके हिसाब से क्या मिलेगा, ये पावर आगे आ जाएगा, पी एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 लॉग ऑफ वाई विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा पी प्लस 4 लॉग ऑफ एक्स प्लस 5, बराबर है। इतना समझ में आया, अच्छा हाँ ठीक है। चलो, तो अभी क्या करना है मुझे, सीधा सीधा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ अगर हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा, तो ये पी कॉन्स्टेंट एज इट इज, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, हाँ, प्लस ये 4 का 4 ऐसे ही, लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन वाई, क्या वो एक्स था, नहीं वो एक्स नहीं था, वो वाई था, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, डी वाई बाई डी एक्स, समझ में आ रहा है सब लोगों को। ओके, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगेन ये पी प्लस 4 कॉन्स्टेंट है एज इट इज रखो, इन टू लॉग ऑफ एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, लेकिन वो एक्स था क्या, नहीं ना, वो क्या था, लॉग एक्स प्लस वाई था, तो उसका भी डेरिवेटिव बनता है ना, हाँ बनता है, तो क्या बनेगा, ये एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये डेरिवेटिव ले लिया। अच्छा, सेकेंड स्टेप क्या था इम्प्लिसिट फंक्शन में हमारा, कि डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साइड पे आने चाहिए, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, तो ये जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ना, ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स है, तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, देखो ये पी बाय एक्स प्लस 4 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहला दिस मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा, तो सेम आएगा पी प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस प्लस, ये पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही मिलेगा पी प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे लेके आओ, है ना, डी वाई बाई डी एक्स, अभी क्या करते हैं हम लोग एक साइड में लेके आ जाते हैं, और जिसके साथ जो अकेला है वो जाएगा आइदर साइड, तो मुझे मिलेगा 4 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे एक स्टेप मैं आपके लिए बढ़ा रहा हूँ, ये यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्ट, मैं कॉमन भी डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकता हूँ, तो ये यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आ गया तो माइनस, तो पी प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, राइट हैंड साइड पे क्या बचा, ये पी प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई रह गया, हाँ माइनस, ये प्लस था यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो गया पी बाय एक्स। ओके चलो, तो अभी जो जो कॉमन है इन दोनों में से कॉमन निकलता है डी वाई बाई डी एक्स, वो निकाल लेते हैं हम लोग, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे
अगर मैंने डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन निकाला तो इनसाइड मेरे पास बचा 4 अपॉन वाई प्लस पी प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। बराबर है? हाँ बराबर है। यहाँ पे तो सब एज इट इज है, पी प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस पी बाय एक्स। हाँ अच्छा, अभी क्या कर सकते, डिनोमिनेटर सेम करेंगे इन दोनों का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो मुझे क्या मिलेगा, ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, उसके बाद शिफ्ट कर देंगे वहां पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, ये 4 इंटू एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y प्लस py प्लस 4y। बराबर है? हाँ बराबर है। अच्छा एक चीज गलत की हम लोग ने, यहाँ पे ये माइनस साइन है ना, देखो ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, अगर ये माइनस है तो ये दोनों का भी साइन चेंज होगा, क्योंकि ये देखो ये 4x प्लस 4y हो गया, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी वाई वाई इंटू माइनस पी वाई वाई इंटू माइनस फोर। क्यों आया समझ में आया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा वाई एक्स प्लस वाई। ये सारी चीजें समझ रही है आप लोगों को, बहुत ही सिंपल है, इजी है, बस मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं हम लोग को, जैसे अभी मैंने किया था एक मिस्टेक। ओके यहाँ पे क्या होगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी एक्स, देखो पी एक्स प्लस 4x माइनस px माइनस py। बराबर है? हाँ। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। हाँ बराबर है। अच्छा अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया तो यहाँ पे देखो 4x प्लस 4y माइनस 4y कैंसल। हाँ क्या हो जाएंगे, कैंसल। ओके यहाँ पे प्लस पी एक्स माइनस पी एक्स कैंसल। हाँ ओके चलेगा। यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा तो ये एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई कैंसल हो गया, समझ रहा है। ये आप यहाँ पे उसको अगर आइदर साइड लेके जाते तो भी ये क्या डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे जाएगा तो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, क्यों सेम था। ओके तो अभी जो जो बचा है उन सबको लिख के ले लो, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा है, न्यूमरेटर में 4x माइनस py बचा है, 4x माइनस py बचा है, डिनोमिनेटर में क्या बचा है, सिर्फ वाई बचा है, सबको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे क्या बचा है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने अगर ठीक से देखा तो यहाँ पे भी बचा है मेरे पास 4x माइनस py, है ना, 4x माइनस py डिवाइडेड बाय x बचा है, डिवाइडेड बाय x बचा है। तो अभी क्या करेंगे, dy बाय dx अकेला चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, dy बाय dx विच इज इक्वल टू ये 4x माइनस py अपॉन x इंटू, ये यहां पे जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4x माइनस py। बराबर है? तो अभी देखो ये ब्रैकेट वन जा ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, तो मेरे पास बचा है वाई बाय एक्स। अच्छा प्रूफ क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाय एक्स, समझ में आया ये चीज, कैसे हम लोगों ने प्रूफ किया है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, इजी है। क्या किया, ये कॉम्प्लिकेटेड था तो लॉग अप्लाई किया, लॉग अप्लाई करना, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद डीवाई बाई डी एक्स वाला टर्म एक साइड को लेके आया, डीवाई बाई डी एक्स वाला टर्म एक साइड लाया तो उसको कॉमन निकाल लिया। अच्छा कॉमन निकाल लिया तो सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करना है, कुछ अलग नहीं होगा, लॉग अप्लाई करोगे, लॉग अप्लाई करने के बाद हम लोग को ऐसे ही फॉर्म में आएगा, ये जहां पे पी था यहाँ पे 7 आ जाएगा, जहां पे ये 4 था वहां पे ये 5 आ जाएगा, इतना ही चेंजेस होने वाला है, बाकी कुछ नहीं, और आपको लास्ट में आंसर ये वाई बाय एक्स ही मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करा सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन जैसा, समझ में आया आप लोगों को, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 8 वाला क्वेश्चन एक्चुअली सिमिलर है, फिर भी हम लोग उसमें से दो या तीन दो क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही वाले हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, सेक ऑफ x^5 + y^5 / x^5 - y^5 व्हिच इज इक्वल टू a स्क्वायर। अच्छा ठीक है, हम लोग को ये चीज पता है कि ये a क्या है, a है मेरा कांस्टेंट। अच्छा a कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट चीज क्या करेंगे, देखो ये सेक है ना, ये कांस्टेंट की तरफ इसको लेके जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा x^5 + y^5 / x^5 - y^5 विच इज इक्वल टू, ये sec यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ मुझे पता है sec इनवर्स ऑफ ए स्क्वेयर हो जाएगा। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर ये a कांस्टेंट है तो sec इनवर्स ऑफ a क्या होगा, कांस्टेंट होगा, sec इनवर्स ऑफ a क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेट
लेट sec इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी। इन्होंने ए एंड पी बोला है ना, ए यहाँ पे यूज हो गया तो मैंने पी ले लिया, समझ में आया। क्यों लिया? ये कांस्टेंट है ना, ये पूरा मैं घूमते लेके जाऊंगा, एट लास्ट उसका आंसर क्या होने वाला है, डेरिवेटिव के बाद जीरो, समझ ले मेरी बात, है ना, इसीलिए मैंने इसको कांस्टेंट ले लिया। ओके, तो यहां पे हम लोग बोल देंगे कि क्या पी इज कांस्टेंट, ये रीजन देना जरूरी है, ठीक है, पी इज कांस्टेंट, इसे हम लोग ने अगर बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला हम लोग को आगे सॉल्व करेंगे तो। अच्छा ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा x^5 प्लस y^5 डिवाइडेड बाय x^5 माइनस y^5 व्हिच इज इक्वल टू पी। क्यों? पी कांस्टेंट है। अच्छा इसको यहाँ पे लेके जाओ तो मुझे मिलेगा x^5 प्लस y^5 व्हिच इज इक्वल टू पी, से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पी इंटू x^5, देखो ना, पी इंटू x^5 माइनस पी इंटू y^5 मिला, बराबर है, ये सारी चीजें समझ में आ रही है हम लोगों को। ओके, तो अभी क्या करेंगे, x को एक साइड पे लेके जाते हैं, y को एक साइड पे लेके जाते हैं, तो क्या मिलेगा देखो, क्योंकि मुझे dy by dx निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये y^5, अच्छा ये माइनस है यहाँ पे आ जाएगा, तो p y^5 विच इज इक्वल टू, ये p x^5 है, ये माइनस है ना, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस। अच्छा इन दोनों से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देखो देखो, हाँ, और इन दोनों में से, हाँ ओके, तो क्या कॉमन निकल रहा है, तो यहां से निकलेगा y^5 इनसाइड ब्रैकेट 1 + p बचा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या निकलेगा कॉमन, कोई बता सकता है? वेरी नाइस, x^5 अंदर क्या बचा, p -1, बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लेके जाते हो, ये वेरिएबल को यहाँ पे लेके आ जाते, मुझे क्या मिलेगा देखो, ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, यही पूरा आपको क्वेश्चन नंबर, मैं बताता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है एंड 8 में यही सेम यूज करना है। तो एक क्वेश्चन ठीक से देख लो आप, डिवाइडेड बाय ये x^5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, अच्छा यहाँ पे न्यूमरेटर में था p -1, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये लेट से इसको p +1 लिख देते, समझ में आई ये चीज मैंने क्या किया है, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। देखो क्या किया, वापस देखो, कुछ अलग चीज नहीं किया, इन दोनों में से कॉमन निकला, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया मुझे पता है। उसके बाद क्या करेंगे, ये ना कांस्टेंट वाले है ना, देखो 1 + p कांस्टेंट होता है, ये p -1 भी कांस्टेंट होता है, उनको राइट हैंड साइड पे लेके आए और इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए। अच्छा अभी बताओ, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y/x^5 है ना, इसका भी फिफ्थ है, इसका भी फिफ्थ पावर है, तो दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, और यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ p-1 p+1, ओके हाँ लिख सकते हैं। अच्छा टेल मी वन थिंग, ये मुझे पावर हटाना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे पावर हटाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, टेकिंग फिफ्थ रूट है ना, जैसे ये स्क्वायर रूट होता है, ये हटाने के लिए मैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोलता हूं तो मुझे एक्स मिलता है, तो उसी तरह अगर मैंने फिफ्थ रूट निकाला तो मुझे क्या मिलेगा, वाई बाय एक्स मिलेगा सिर्फ, तो मुझे मिला y/x विच इज इक्वल टू, लेकिन यहां पे इसका क्या हो जाएगा, इसका फिफ्थ रूट हो जाएगा, समझ रहे हो क्या, p-1 p+1, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या कर रहे हैं एक्चुअली हम लोग, मैं बोल रहा हूँ ना क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 and 8 में सिमिलर चीज फॉलो करना है। ओके टेल मी वन थिंग, ये भी पूरा टर्म कॉन्स्टेंट होगा, ये भी पूरा टर्म कांस्टेंट होगा, ये एक सिर्फ हमारे ध्यान में रखना है, इसके लिए भी हम लोग अलग ये लेटर ले सकते हैं कि सी ले लिया और ये कांस्टेंट है तो उसको छोड़ दिया, नहीं हम लोग वो नहीं करते, हम लोग क्या करेंगे, चलो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहां पे मिलेगा ये वाई, यू बाय वी वाला रूल हो गया ना, यू बाय वी वाला, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वी मतलब एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी यू, तो ये हो गया dy बाय dx माइनस x, अभी x को ऐसे रखा था, अभी y को ऐसे रखेंगे, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 डिवाइडेड बाय x² हो जाएगा, हाँ बराबर है, और यहाँ पे ये क्या है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, जीरो, समझ में आया है ना, ये हम लोग ने p कंसिडर किया था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर ये p कांस्टेंट है तो पूरा ये टर्म भी कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे चाहिए तो आप, आपको ध्यान में रखने के लिए यहाँ पे एक रीजन दे सकते हैं हम लोग आपके लिए, सिर्फ एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, √5
पी माइनस वन अपॉन पी प्लस वन इज कॉन्स्टेंट, है ना, कॉन्स्टेंट था इसीलिए उसका डेरिवेटिव लिया तो वो जीरो आ गया। समझ में आई ये चीज? ओके चलो, तो अभी क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे चला गया तो जीरो, है ना, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो कितना होगा, जीरो। तो ये डीवाई बाय डी एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो हो गया। लेकिन मुझे डीवाई बाई डी एक्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक्स इंटू डीवाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ पे गया तो प्लस वाई, लेकिन मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स तो मैं क्या करूंगा, ये एक्स भी यहाँ पे आ गया तो मिलेगा वाई बाय एक्स। अच्छा प्रूफ क्या करना था मुझे, अरे यही प्रूफ करना था। समझ में आया? आप बोलोगे ये बहुत ही अलग तरीके से सॉल्व किया है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जितने भी आप लोगों को दिख रहे हैं वो सेम मेथड से सॉल्व करने हैं इसके आगे वाले। ओके, ये अगर आपको समझ में आया तो हम लोग क्या करते हैं, जो फोर्थ फिफ्थ है सिक्स्थ है उसमें से एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ओके, लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव में से देखते कौन सा सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, अगर क्वेश्चन नंबर फाइव देखोगे एंड क्वेश्चन नंबर फोर देखोगे तो दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, क्या आपको लग रहे हैं सिमिलर? जैसे हम लोग ने थर्ड किया, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे थर्ड किया ना वैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये फिफ्थ एंड फोर्थ है, उसमें से मैं फिफ्थ वाला सॉल्व करूंगा, आपको फोर्थ वाले का हिंट मैं देने वाला हूँ, तो इसका टेंशन मत लो कि कैसे करेंगे, बट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है उन्होंने। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा थर्ड क्वेश्चन में मैंने क्या किया, तो ये था ना, इसको मैं यहाँ पे लिखेगा, क्यों, यहाँ पे तो कांस्टेंट है, आप बोलोगे कैसे कांस्टेंट है, अच्छा ए क्या बोला है उन्होंने, कांस्टेंट है ए, अगर कांस्टेंट है तो टैन इनवर्स ऑफ ए क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा सेवन एक्स रेस टू फोर प्लस वाई फाइव वाई रेस टू फोर डिवाइडेड बाय सेवन एक्स रेस टू फोर माइनस फाइव वाई रेस टू फोर विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, वहां पे जाएगा तो कॉस कॉस ऑफ टैन इनवर्स ऑफ ए। अच्छा अगर ये tan इनवर्स ऑफ a कांस्टेंट है तो cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ a भी क्या होगा, कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट तो मैं क्या बोलूंगा, लेट cos tan इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू p विच इज कांस्टेंट, ठीक है ना, मैंने कंसीडर कर लिया ये कांस्टेंट है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे अभी, तो मुझे मिलेगा 7x रेस टू 4 प्लस 5y रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 7x raised to 4 minus 5y raised to 4 which is equal to p, क्यों, इसको मैंने p consider कर लिया, अच्छा ठीक है p consider कर लिया, तो इसको जो लिखे जाते हैं यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 7x raised to 4 plus 5y raised to 4 which is equal to p से multiply करेंगे तो मुझे मिलेगा 7px raised to 4 minus 5py raised to 4। चीजें समझ में आ रही है, हम लोग कैसे जा रहे हैं, क्या फॉलो करें। अगेन लास्ट क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने क्या किया था, तो हम लोग ने क्या किया था, ये जो p वाला y वाला टर्म है साथ में लाया, x वाला टर्म साथ में लाया, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, 5y raise to 4 ये माइनस था यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस 5py raise to 4 विच इज इक्वल टू ये 7px raise to 4 एज इट इज बचा, ये वाला ये यहाँ पे प्लस था यहाँ पे जाएगा तो माइनस 7x raise to 4। अच्छा कॉमन क्या आता है इन लोगों में, तो ये वाला कॉमन, ये वाला, यहाँ पे x रेस टू 4 कॉमन, तो अगर मैंने y रेस टू 4 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, 5 प्लस 5p बराबर है 5 प्लस 5p बचा। ओके ये साइड में क्या बचेगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इसलिए मैंने इसे लिखा, ये साइड में क्या बचेगा, अगर x रेस टू 4 निकाला तो मुझे मिलेगा 7p माइनस 7, ये मुझे कांस्टेंट मिला, कांस्टेंट बोल रहा हूँ कि कॉमन मिला। अच्छा अभी क्या करेंगे, तो ये वापस लास्ट टाइम में क्या किया था, कांस्टेंट एक जगह पे लेके आए, वेरिएबल एक जगह पे लेके आए, तो y रेस टू 4 अपॉन x रेस टू 4 इज इक्वल टू ये 7p माइनस 7 है डिवाइडेड बाय 5p, इसको भी ऐसे लिखता हूं मैं कि 5p प्लस 5 है बराबर है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि ये भी बंदा कांस्टेंट है, ये बंदा क्या है कांस्टेंट, क्यों, p मैंने बोला कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया ना, क्यों, ये डेरिवेटिव लेने के बाद जीरो होगा, इसीलिए मैं इसको कांस्टेंट हमेशा रखता हूं, इसीलिए इसको साइड में लेके रह जाते हैं, राइट हैंड साइड लेके जाते हैं हम लोग, क्योंकि इसको जीरो बनाना है मुझे। अच्छा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अगेन, हाँ रेस टू पावर, तो इसका अभी ये एज इट इज रहेगा 7p माइनस 7 डिवाइडेड बाय 5p प्लस 5। ओके बट क्या करेंगे, ये पावर है मुझे निकालना है, फोर्थ पावर है, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग बराबर सोच रहे हो, टेकिंग फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड बोल दो,
तो क्या मिलेगा, यहाँ पे वाई बाय एक्स मिला, हाँ बराबर है, यहाँ पे मिलेगा रूट ऑफ, ये फोर्थ रूट है, कौन सा रूट है ये, फोर्थ रूट, ओके फोर्थ रूट, तो ये होगा 7p-7 डिवाइडेड बाय 5p-5, हो गया ना। लास्ट क्वेश्चन की तरह पहुंच गए ना हम लोग, अभी क्या करना है, बस मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं बोलूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, तो एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, तो मुझे पता है वाई बाय एक्स का क्या आया था लास्ट टाइम, तो आया था एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये कैसे आता है पता है सब लोगों को, और ये क्या हो जाएगा, जीरो, क्यों जीरो हो गया, कॉन्स्टेंट है ना, ये पूरा टर्म कॉन्स्टेंट है, तो इसीलिए इसका डेरिवेटिव भी जीरो हो गया, ओके तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा तो वो हो जाएगा जीरो, तो ये मेरा मुझे मिला डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से तो आप सॉल्व कर सकते हो, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये एक्स टू एक्स स्क्वायर इंटू जीरो जीरो, चलो तो क्या होगा, ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स यहीं पे रहेगा, ये माइनस वाई यहाँ पे जाएगा तो प्लस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला मुझे, तो मुझे मिला ये एक्स चला जाएगा तो वाई अपॉन एक्स, क्या समझ रहा है मैंने क्या किया, आप लोग अगर ठीक से देखोगे ना तो ईच एंड एवरी स्टेप इज सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन, क्या बोला मैंने, ईच एंड एवरी स्टेप इज सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, वाई बाय एक्स मिला। अच्छा फोर्थ के लिए मैं बोला था हिंट बताऊंगा, क्या होगा जब मैं ये टैन इनवर्स यहां पे लेके जाऊंगा तो टैन ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, इसके लिए हिंट देखो, यहीं पे लिख देता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म यहां पे आ जाएगा और ये बन जाएगा टैन ऑफ ए स्क्वायर, तो मैं क्या बोलूंगा, ये टैन ऑफ ए स्क्वायर क्या है, इसको पी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, पी सब्स्टिट्यूट किया तो यही स्टेप पे आ जाएंगे हम लोग, अगेन सिमिलरली सॉल्व करते जाओगे तो आपको वाई बाय एक्स ही मिलने वाला, ये सारी चीजें समझ में है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कैसे हम लोग बोलते हैं मजेदार है ना ये करने के लिए, है ना, अलग अलग चीजें हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर बोला था मैंने कि 3, 4, 5, 6 भी सिमिलर क्वेश्चन है, 6 के लिए भी मैं हिंट देता हूं आपको इसके बाद, ओके तो 6 वाला मैंने बोला था अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, कैसे सिमिलर है तो देखो हम लोग कैसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये लॉग जब वो साइड जाता है ना, जैसे हम लोग ये टैन था, टैन अगर ये साइड चला गया इक्वल टू साइन के तो टैन इनवर्स हो गया, अच्छा अगर ये यहाँ पे टैन इनवर्स था तो अगर ये साइड चलेगा तो टैन बन गया, उसी तरह जब लॉग है ना, ये लॉग होता है ना वो आइदर साइड पे चला जाता है ना, तो वो क्या होता है, एंटी लॉग बन जाता है, क्या बन जाता है, एंटी लॉग, समझा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, ये यहाँ पे चला गया तो मुझे मिलेगा एक्स रेस टू 20-y रेस टू 20 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 20+y रेस टू 20 विच इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 20, कोई अलग चीज नहीं है, अगर ये कांस्टेंट है तो ये पूरा एंटी लॉग भी क्या होगा, कांस्टेंट, तो इसको मैं क्या बोल देता हूं, इसको बोलूंगा पी, अगर ये पी है ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो हाँ, और ये टर्म पूरा ऐसे ही था, ये अगर मल्टीप्लाई हो गया तो मुझे क्या मिला है, एक्स रेस टू 20-y रेस टू 20 विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो पी इंटू एक्स रेस टू 20+p(y रेस टू 20), अगेन ये हम लोग क्या करते हैं, ये वाई वाली टर्म एक साइड पे लाते, एक्स वाली टर्म एक साइड पे लाते, तो क्या मिलेगा, तो ये मुझे मिलेगा, लेट से वाई यहाँ पे लेके जाता हूँ, नेगेटिव नहीं तो इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो मुझे मिलेगा एक्स रेस टू 20-px(x)² विच इज ये p(y)² था, ये माइनस यहाँ पे गया तो +y(x)² हो गया, कॉमन क्या आएगा, x(x)² तो 1-p, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, y(x)² तो यहाँ पे बचा क्या, p+1 बराबर है, अगेन ये यहाँ पे लेके जाओ, इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, तो हम लोग के फॉर्म में लाया हम लोगों ने y(x)² / x(x)² बराबर है, क्या आया, y(x)² / x(x)² विच इज इक्वल टू y(x)² है ना, x(x)² को यहाँ पे लगे आया तो ये मिलेगा 1-p/1+p, आ गया मेरे फॉर्म में, आया ना, इसको हम लोग क्या करते थे याद है कि नहीं, ये 20 है ना तो 20 निकाल दो, हम लोग को 20 पावर निकाल देना है, तो टेकिंग 20th रूट, तो मुझे क्या मिलेगा, वाई बाय एक्स इज इक्वल टू 20th रूट ऑफ 1-p/1+p, वापस डेरिवेटिव ले लो, ये बंदा तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो मुझे वापस वाई बाय एक्स वाला टर्म आ गया, ये समझ में आ रही है सारी चीजें, तो डी वाई बाई डी एक्स भी मेरा क्या आने वाला है, वाई बाय एक्स, सिमिलरली
आगे का हम लोग का कौन सा वाला क्वेश्चन बोला था मैंने, 8 वाला क्वेश्चन भी सिमिलर, वो हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो पहले देखते हैं कि 7th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से। ओके, अगर क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो 3 या 4 स्टेप का आंसर है इसका। कितना, 5 स्टेप पकड़ लो ज्यादा से ज्यादा। हम लोग ने लास्ट टाइम किया वैसे ही करना है, लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ही करना है, बस क्या उन्होंने दिया है ट्रिकी वे में। अच्छा इसको छोड़ दे, यहाँ पे सिंपल एक चीज बोलो मुझे, ए रेस टू एक्स या हम लोग कैसे लिखते थे देखो, कुछ याद है कि ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू, अगर एम है, ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू अगर एम है तो हम कैसे लिखते थे, ये कौन सा फॉर्म है, ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आता था, लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आता था, लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते थे हम लोग लॉग ऑफ एम टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स होता है, बराबर है, समझ में आ रहा है क्या ये चीज। ओके, सिमिलरली ये होता है हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म। अच्छा अगर ये क्वेश्चन देख के आप बोलोगे तो ये कौन से फॉर्म में है, देखो ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू एम है, ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू एम है, ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू समथिंग है, समझ में आया, तो ये होता है इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म इज क्या होगा अकॉर्डिंग टू ये देखो, तो हम लोग बोलेंगे लॉग ऑफ ई, लॉग ऑफ ए टू द बेस ई इज इक्वल टू एक्स रेस टू 7 माइनस y रेस टू 7 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 7 प्लस y रेस टू 7। देखो नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर समझाता हूं, ये है मेरा m, ये है मेरा x एंड ये था मेरा a, बराबर है, ये a में कंफ्यूज मत होना, ए ए में कंफ्यूज मत होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कैपिटल ए लिख देता हूँ, ए ए में कंफ्यूज मत होना। ओके, हाँ तो यहाँ पे इसको कैपिटल ए बोल देते, तो ये क्या हो गया देखो, तो हम लोग ने बोला लॉग ऑफ एम, एम क्या है स्मॉल ए, तो लॉग ऑफ ए टू द बेस कैपिटल ए था तो ई आ गया, यहाँ पे ई था तो ई आ गया, विच इज इक्वल टू ये ऊपर वाला पूरा टर्म। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लॉगरिथमिक फॉर्म। अच्छा अभी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, क्यों, ये बंदा तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग एक्चुअली सब्स्टिट्यूट क्यों करते हैं मालूम है, पी या कुछ भी टर्म, क्योंकि ये पूरा लिखना नहीं पड़ता ना हम लोग को, ये पूरा, ये लास्ट क्वेश्चन में तो कैसे था ना वन, हम लोग अगर लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें पूरा लिखना पड़ता हम लोगों को, है ना, इसीलिए मैं क्या करता हूँ इसको क्या बोलूंगा, लेट लेट ये बंदा जो है ना लॉग ऑफ ए टू द बेस ए ई इज इक्वल टू पी, क्यों, कांस्टेंट है, बराबर है, हाँ चलेगा, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स रेस टू 7 माइनस y रेस टू 7 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 7 प्लस y रेस टू 7 विच इज इक्वल टू पी। अच्छा ये यहाँ पे चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, एक्स रेस टू 7 माइनस y रेस टू 7 विच इज इक्वल टू पी इंटू एक्स रेस टू 7 प्लस पी इंटू वाई रेस टू 7, समझ में आया, अगेन आ गए हमारे फॉर्म में, क्या करेंगे क्या करेंगे बोलो जल्दी, चलो एक्स वाई वाले एक साइड पे, एक्स वाले एक साइड पे, तो क्या मिलेगा, ये एक्स रेस टू 7 यहीं पे रखा माइनस ये पी रेस टू एक्स रेस टू 7 आ गया विच इज इक्वल टू पी रेस टू पी इंटू वाई रेस टू 7 एज इट इज, और ये जो माइनस वाई रेस टू 7 था यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाई रेस टू 7। ओके, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स रेस टू 7 निकालो 1 माइनस पी, अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है, तो वाई रेस टू 7 निकालो, पी प्लस 1 हो गया। ओके एंटर, चलो क्या करेंगे, वाई रेस टू 7 डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू 7 कर दिया विच इज इक्वल टू, ये बंदा चला जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा 1 माइनस पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस पी, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, चाहिए तो एक बार चेक करो कैसे किया। देखो मैंने क्या किया, एक्स रेस वाई रेस टू 7 है, एक्स रेस टू 7 यहाँ पे लेके गए, बराबर है, तो डिनोमिनेटर में चला गया, ये 1 माइनस पी एज इट इज रह गया, ये 1 प्लस पी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, लेकिन ये कॉन्स्टेंट है तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, टेकिंग 7th रूट,
ऑन बोथ साइड, बराबर है बोथ साइड, तो क्या मिलेगा ये वाई अपॉन से एक्स ऐसे ही, और ये हो जाएगा सेवेंथ रूट ऑफ 1 माइनस पी अपॉन 1 प्लस पी, बराबर है। तो अभी कौन सा स्टेप होता है हमारे पास, अभी स्टेप होता है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हमारे पास होगा कि y, तो यहां पे हमें मिलेगा ये होगा x dy by dx minus y divided by x square, हाँ, which is equal to, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो, क्यों, ये बंदा तो कांस्टेंट है ना, बराबर, तो ये x square यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो जीरो, तो ये मिलेगा dy by dx माइनस वाई विच इज इक्वल टू जीरो, वाई यहाँ पे चला जाएगा तो पॉजिटिव होगा इक्वल टू वाई, लेकिन मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं क्या बोलूंगा, ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, और यही है मेरा फाइनल आंसर। आया समझ में, सिंपल है ना, पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन में हम लोग एक ही पैटर्न इस्तेमाल करते जा रहे हैं, मतलब पी कंसिडर किया, मल्टीप्लाई किया, एक साइड पे लेके आए एक्स एंड वाई वाले टर्म को, फिर एक्स वाई को साथ में लेके आए, ये बंदा कॉन्स्टेंट हो गया, उसके बाद उसका रूट निकाल दिया, सेवेंथ रूट जो भी दिया, 27, 5, 11, 12 जो भी हो, बराबर है, उसके बाद क्या किया, डिफरेंशिएट किया है तो कॉन्स्टेंट वाला बंदा जीरो हो गया, तो हमें मिल गया आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो 8 वाला क्वेश्चन अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, क्या करेंगे, ये साइन जो है वो साइड चला गया तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू, साइन यहाँ पे चला गया तो साइन इनवर्स ऑफ ए क्यूब। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा, लेट साइन इनवर्स ऑफ ए क्यूब कांस्टेंट है, क्यों भाई, ए कांस्टेंट है तो ये भी पूरा टर्म कांस्टेंट होगा, उसको पी बोल दिया, क्यों, कांस्टेंट है, अच्छा ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो एक चीज यहाँ पे मिलेगा मुझे, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू पी। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या था भाई, इसको यहाँ पे लेके जाके मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा पी इंटू एक्स क्यूब पी एक्स क्यूब प्लस पी वाई क्यूब, वापस नेक्स्ट स्टेप क्या, हमारा रेगुलर स्टेप क्या था, एक्स वाले बंदे को एक साथ वाई वाले को बंद एक साथ, तो एक्स क्यूब माइनस ये आ जाएगा यहाँ पे तो माइनस पी एक्स क्यूब, ये पी वाई क्यूब एज इट इज होगा, ये माइनस यहां पे जाएगा तो प्लस वाई क्यूब, अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है, तो एक्स क्यूब, तो मुझे मिला 1 माइनस पी, अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है, तो वाई क्यूब, तो मुझे मिला पी प्लस वन, समझ में आ रहे स्टेप्स, फास्ट हो रहा है क्या थोड़ा बहुत, ठीक है इतना समझ में आ गया, हाँ, तो अभी क्या करेंगे, देखो ये एक्स क्यूब वाई क्यूब को साथ में लेके आते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, मैं जानबूझ के ट्राई करता हूँ वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब आइदर साइड, वो हम लोग जब एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब करेंगे ना तो वापस हमारा डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव आता है, फिर साइन यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए मैं हमेशा वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब लिखता हूँ, तो वाई क्यूब अपॉन ये एक्स क्यूब यहाँ पे चला गया, तो 1 माइनस पी एज इट इज था डिवाइडेड बाई ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 प्लस पी लिख दू, हाँ चलेगा, अभी कौन सा रूट लेना है आप लोग, बराबर बोला, टेकिंग, समझ रहे हो ना आप अभी, मतलब टेकिंग थर्ड रूट ऑन बोथ साइड, हम लोग को क्या मिला, तो यहां पे मिलेगा वाई बाय एक्स, और यहां पे मिलेगा थर्ड रूट ऑफ और क्यूब रूट पी अपॉन 1 प्लस पी, यहाँ पे आप क्यूब रूट भी लिख सकते हो, क्यूब रूट लिखोगे सबसे भी चलेगा, तो अभी क्या करना है, हाँ तो अभी सीधा सीधा डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर, तो अभी क्या बोलेंगे हम लोग, ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये तो अभी हम लोग को रट्टा हो गया ना, हमें कितनी बार निकाला हम लोग ने, 8 बार पूरा टोटल निकाला, डी वाई डी एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू, ये बंदा हो जाएगा जीरो क्योंकि था कांस्टेंट, तो अगेन डी वाई बाई डी एक्स, वाई भाई सबको वहां पे लेके जाते तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स का आंसर, तो मुझे मिलेगा वाई अपॉन एक्स, और ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ये प्रूव कर दिया हम लोगों ने 8 के 8 क्वेश्चन में, ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी रहेगा तो आप मुझको पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप क्वेश्चन करो, ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ऑलमोस्ट हमारा वीडियो हमारा जा रहा है 30 मिनट्स पे, तो मैं क्या करूंगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करके आपके लिए दे दूंगा।
ओके, तो इसमें पूरा इजी है। हमें आठों के आठों क्वेश्चन में मैंने बोला ना एक ही सिमिलर पैटर्न यूज किया है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मुझे समझना है क्या करना है मुझे, कि मुझे यही मेथड फॉलो करना है। देखा ना, यहाँ पे देखो ना, हमेशा हम लोगों ने देखा कि इन लोग के पावर सबके सेम थे। अभी तक हम लोगों ने जिसमें देखा पावर सबके सेम थे, बराबर है, उसी अकॉर्डिंगली ये सॉल्व किया। ओके, बाय बाय।